नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, टीजीटी पीजीटी दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए चयन बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है और आप सभी का जो लंबे समय से इंतजार था वो फाइनली हो चुका है खत्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ने से पहले, अगर आप भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड, जो कि 30 जुलाई 2021 को जारी किए गए सर्कुलर के अकॉर्डिंग नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि एनसीईआरटी पर आधारित है। और मैं बता दूं कि चक्षु प्रकाशन की बुक एकदम सटीक बुक होती है, कहने का मतलब एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह साथ ही व्याख्या के साथ यहां पे किया गया है। और इसके अलावा पाठ्यक्रम अनुसार थ्योरी और 2 साल्व पेपर भी इसमें मौजूद है और ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से अवेलेबल है मार्केट में। तो साथियों, बड़ी खुशखबरी जानने से पहले एक और खुशखबरी के बारे में जान लेते हैं, जो कि निकल के आ रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। यहां पे आप देख सकते हैं कि पेपर लीक होने का भ्रम फैलाया तो मुकदमा होगा, शिक्षक भर्ती को लेकर के कड़े निर्देश जो है ये जारी किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर को 2 पालियों में होगा। इससे संबंधित प्रश्न पत्र लीक होने जैसा जो है भ्रामक समाचार सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप पर वायरल जो मतलब प्रश्न पत्र दिखाए जाते हैं, अगर इस तरह का जो है अफवाह थोड़ा सा भी देखने को मिला तो बहुत ही सख्त निर्देश उनके लिए जारी किए गए हैं यहाँ पे। और ये भी बताया गया कि मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है साथियों कि इस बार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन थोड़ी बहुत सख्ती बरत रहा है। मैंने इसके पहले आप सभी को जानकारी दी थी कि पीएनपी सचिव के द्वारा महानिदेशक को पत्र भी लिखा गया था। और साथियों, नेक्स्ट अपडेट यहां पे देख सकते हैं कि टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है कि टीजीटी का जो परिणाम है वो किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। और अब जो आप सभी का लंबे समय से इंतजार था वो खत्म होने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं कि चयन बोर्ड 12603 पदों के लिए हुई टीजीटी का जो है परीक्षा का जो परिणाम है वो किसी भी दिन घोषित करने की तैयारी में। तो ये एक बड़ी खुशखबरी साथियों आप सभी के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ ही इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।